चलो, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग वी विल मूव अहेड विथ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग सब कर चुके हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएशन में वी वर सीइंग कि एक स्मॉल चेंज इन एक्स के कारण हम लोग का जो भी फंक्शन इन एक्स है वो कैसे चेंज होते हैं। बेसिकली इनपुट में चेंज लाने से आउटपुट कैसे चेंज होते हैं। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट वाइज भी एंड सॉल्विंग वाइज भी। दोनों वाइज इंटीग्रेशन इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग देखते थे कि अगर ग्राफ में देखें तो मान लो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो हम लोग यहाँ पे उसका टेंजेंट निकालते थे डिफरेंशिएशन को यूज़ करके, राइट। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में हम लोग जो भी कर्व है या जो भी ग्राफ है उसके नीचे का एरिया को मेजर करते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली बोलते हैं कि तोड़ना होता है एंड इंटीग्रेशन जोड़ना होता है। जस्ट लाइक द वर्ड इटसेल्फ, कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करना मतलब उस गेटिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस टुगेदर। तो इंटीग्रेशन से वी यूज इट टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। वी यूज इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अब फॉर एग्जाम्पल ये कर्व अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है एक्स, यहाँ एकदम इसी के पास में ही एक पॉइंट है एक्स प्लस डी एक्स। डी एक्स क्या होता है? डी एक्स इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो एक्स है एंड एक्स प्लस डी एक्स है, विच मीन्स इट्स वेरी क्लोज बाय, एक छोटा सा बस डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एंड मान लो यहाँ पे एक है बी, ओके, यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं एक्स वैल्यूज या इनपुट वैल्यूज, यहाँ हम लोग मेजर कर रहे हैं वाई वैल्यूज। तो हम लोग को अगर बोला जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली दिस एंटायर पोर्शन जो येल्लो कलर में शेड किया है। अब ऐसे तो ये अनएंडिंग है, देर इज नो स्पेसिफिक एंड टू द कर्व्स, बट हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को एरिया निकालना है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में। तो एरिया कौन सा कवर हो रहा है ए से बी के बीच में? ये एरिया, हम लोग को ये एरिया निकालना है। ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? ऑफकोर्स दिस इज अ शेप जिसका एरिया का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड द एंटायर पोर्शन इनटू स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स। कैसे रेक्टेंगल्स? एक ऐसे बन गया, फिर एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया, एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया, और फिर हर एक रेक्टेंगल का अगर हम लोग सम करें एरिया का, देन वी कैन गेट द टोटल एरिया। अब ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनमें क्या है, मान लो दिस इज़ वन ऑफ द रेक्टेंगल्स, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो ये रेक्टेंगल का जो हाइट है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल? द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ एफ एक्स, इट इज़ एफ एक्स। And what is the breadth of this rectangle? dx, है ना? ये जो portion है ये इस point पे fx है and ये dx है। तो area of rectangle is we know length into breadth which means fx into dx। और हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ऐसे करके जितने भी rectangles form हो रहे हैं हर एक रेक्टेंगल का एरिया को ऐड अप करना है या इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए साइन क्या होता है? ऐसे साइन होता है इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज ओवर द एंटायर रेंज ऑफ एक्स, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ एक्स हम लोग एफ एक्स इंटू डी एक्स जो रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनके एरियाज को सम अप कर रहे हैं, ओके? सबको समझ में आया लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन? एंड रेंज क्या है एक्स का, हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लेना है? हम लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी, जब हम लोग समेशन सीखे थे, जब हम लोग समेशन सीखे थे तो हम लोग क्या करते थे? नीचे में हम लोग लिखते थे आई टेंस फ्रॉम ज़ीरो टू एन, या फिर आई टेंस फ्रॉम वन टू टेन एन, ऐसे करके हम लोग किए थे अलजेब्रा में। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, बट क्योंकि जो रेंज है यहाँ पे हम लोग को पता था कि वन टू थ्री फोर ऐसे करके जाएगा नंबर्स, यहाँ पे हम लोग को नहीं पता कि वन के बाद सीधा टू आएगा, वन के बाद 1.1 भी आएगा, राइट? तो इट इज अ कंटिन्यूअस समेशन, दिस वन वॉज अ डिस्क्रीट समेशन, नाउ वी आर डूइंग अ कंटिन्यूअस समेशन। तो कंटिन्यूअस समेशन के लिए हम लोग ये इंटीग्रेशन वाला साइन दिखाते हैं।
अब हम लोग को रेंज तो बोलना है कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक सम कर रहे हैं, मतलब हम लोग का एक्स वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है एक्स वैल्यू, विल गो फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ नीचे ए लिखेंगे लोअर लिमिट एंड ऊपर बी लिखेंगे अपर लिमिट, एंड ये हम लोग का बनता है एक इंटीग्रल। ये जो है दिस इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व शोन इन द प्लॉट। अब बताओ सबको ये क्लियर है कि नहीं, एंड सब लोग अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। जल्दी से क्लियर है सबको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि होता क्या है आखिर इंटीग्रेशन। चलो तो अब बेसिकली हम लोग को इंटीग्रेशन में करना क्या है, हाउ डू वी सॉल्व सम्स ऑन इंटीग्रेशन। यहाँ पे द होल थिंग इज कि जो एफ एक्स है उसको एफ एक्स से तो डिनोट करते नहीं है, एफ एक्स ऑलवेज हैज सम एक्सप्रेशन एज एफ एक्स, या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकते हैं या वो एल एन ऑफ एक्स प्लस वन हो सकता है, कुछ भी ऐसे एक एक्सप्रेशन होगा जो एक्चुअल में एफ एक्स होगा। तो हम लोग को वो एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना सीखना होगा, वो हम लोग कैसे करेंगे। बेसिक्स में हम लोग पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सीखते हैं। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, अगर एक्स टू द पावर एन होता था तो हम लोग एन को नीचे लाते थे और एक्स के पावर में एक रिड्यूस कर देते थे, ये करते थे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में। मैंने बोला इंटीग्रेशन एकदम ऑपोजिट होते हैं, तो इंटीग्रेशन में पावर में क्या होएगा, प्लस वन होगा, राइट, पावर में प्लस वन होगा। एंड यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे एन को, अब हम लोग डिवाइड करेंगे और एन को नहीं डिवाइड करेंगे, जो इंक्रीज्ड पावर है उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज दिस, क्लियर है। अब एक और चीज है, वन मोर थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, अभी ऊपर में आई रोट द लिमिट्स, जब हम लोग लिमिट्स लिख देते कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा देन इट इज फाइन। बहुत बार हम लोग को पता नहीं रहते कि एग्जैक्टली हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हम लोग को बस एक जनरल इक्वेशन चाहिए जो इंटीग्रेशन का आ सकता है, तो उस टाइम पे वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी लिमिट्स, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, बिकॉज वी आर नॉट डिफाइनिंग एनी बाउंड्रीज। एंड जब हम लोग लिमिट्स बोल देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। अब इनडेफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्विंग में क्या डिफरेंस आएगा, बेसिकली द रीजन इज कि हम लोग को ये नहीं पता स्टॉप कहाँ होना है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एल एन एक्स है, एल एन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डेरिवेटिव इज वन बाई एक्स, तो बेसिकली अगर हम लोग वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का एल एन एक्स आना चाहिए, राइट, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन में होता है उसका एग्जैक्ट उल्टा इंटीग्रेशन में होता है। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होगा उस डेरिवेटिव को अगर हम लोग वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो ओरिजिनल फंक्शन में चला जाएगा वापस, करेक्ट। अब आज फॉर एग्जांपल उल्टा भी करके देखते हैं, हम लोग को दिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज दिस, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करें तो क्या आएगा, ये वन बाय एन प्लस वन तो रहेगा, एक्स के पावर में एन हो जाएगा एंड नीचे में एन प्लस वन आएगा, वन बाय एन प्लस वन तो एज अ कॉन्स्टेंट हम लोग का बाहर निकल के आ जाएगा, और एक्स के पावर में जो एन प्लस वन है वो नीचे आएगा यहाँ पे एंड पावर में वन रिड्यूस हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ एक्स टू द पावर एन, ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे आ गए वापस। सबका कैमरा ऑफ हो गया वापस से, ऑन करो सब, एवरी वन स्विच इट ऑन जल्दी से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग का एल एन एक्स आएगा। अब ये हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ इंटीग्रेट करो तो उसके साथ में मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करें,
जैसे डिफरेंशिएशन में आप खाली dy से काम नहीं चलता, dy के साथ में dx लिखना होता है ताकि पता चले कि विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल वी आर डिफरेंशिएटिंग. सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है. ओके, तो हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेशन के एंड में d ऑफ द वेरिएबल होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है जिसके कारण हम लोग का एरिया चेंज होते जा रहे हैं. अब मेरे को बताओ, अगर ln x प्लस 4 होता, अगर ln x प्लस 4 होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/x ही होता. तो इवन दो दिस एंड दिस आर डिफरेंट, बट दिस एंड दिस आर नॉट डिफरेंट, ये तो अभी भी सेम ही है. तो ये जो 4 है, हम लोग को वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में अगर जाना है तो ये जो 4 है इसको हम लोग कैसे लाएंगे? ये जो 4 है ये बेसिकली कांस्टेंट पोर्शन है, एंड हम लोग को पता है कांस्टेंट पोर्शन को डिफरेंशिएशन में हम लोग पत्ता नहीं देते, बट जब हम लोग इंटीग्रेशन से डिफरेंस एक्सप्रेशन में जाएंगे तब तो हम लोग को एक्यूरेसी के लिए रखना होगा उसका क्वेश्चन. हो सकता है वो कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो सकता है इट्स ज़ीरो, बट हो सकता है कि उसका कोई वैल्यू हो भी. तो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जब इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई आस्क यू टू इंटीग्रेट 1/x dx, देन यू विल राइट ln x प्लस k और प्लस c. अब ये k और c क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये होता है द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्योंकि इंटीग्रेशन डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द कॉन्स्टेंट पोर्शन, हम लोग को एक क्वेश्चन के लिए वी जस्ट से कि एक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं. अब ये वैल्यू कैसे पता चलेगा? आगे जाके जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हम लोग को आइडिया लगेगा हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है. बट एक चीज़ याद रखना, ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, कि हम लोग को पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक एरिया निकल रहा है. जैसे ही सर्टेनिटी आएगा, सर्टेनिटी कैसे आएगा? सर्टेनिटी आएगा जब हम लोग लिमिट्स ऐड करेंगे. जब हम लोग लिमिट्स ऐड करेंगे तब एक बाउंड्री बन जाएगा, तब हम लोग को कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करना है. तब हम लोग का जो आंसर आएगा वो एक्स के टर्म में भी नहीं आएगा, वो एक कॉन्स्टेंट आंसर ही आएगा. सो दैट टाइम वी डू नॉट हैव टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर है? अब एक बार पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट सम फॉर्मूलाज बिफोर वी मूव ऑन टू द सम्स. अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आई एम राइटिंग ऑल द फंक्शंस विच आर बीइंग इंटीग्रेटेड एंड राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आई एम राइटिंग द फंक्शंस विच आर बीइंग इंटीग्रेटेड एंड राइट हैंड साइड में आई एम राइटिंग कि उसको इंटीग्रेट करके सोल्यूशन क्या आएगा. हर जगह ये प्लस सी रहेगा विच इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगर n इक्वल टू माइनस वन हो जाता तो क्या होता? क्या जीरो? x रेस टू जीरो नहीं होता. n अगर माइनस वन है तो x रेस टू माइनस वन हो जाता. इन्फिनिटी भी नहीं होता. x रेस टू माइनस वन कितना होता है? ये होता है. एंड 1/x का क्या है? 1/x का इंटीग्रल इज दिस. जब डिफरेंशिएशन था तो क्या होता था? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था एक्सपोनेंशियल पे. क्या होता था? खाली जो के है या जो भी कोएफिशिएंट है पावर का वो खाली नीचे आ जाता था. तो यहाँ पे नीचे आएगा बट एज डिविजन नॉट एज मल्टीप्लिकेशन.
कॉपी करो ये अगेन. सेम एज डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे एक्स हम लोग लिख रहे हैं, एक्स इज नॉट जस्ट अ वेरिएबल, इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन इन एक्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 भी है तो वो क्या होगा, एल एन ऑफ एक्स प्लस 1. ठीक है. ट्राई करो दो तीन स्मॉल सम्स. Take 2 minutes. Right. बाकी दोनों
को भी प्रॉब्लम ये चार में समझ आए। आया समझ? डायरेक्ट फॉर्मूला जो अभी हम लोग किए सिर्फ उसका पुटिंग है। अब इसमें हम लोग एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, मतलब अगर लिमिट स्पेसिफाइड है, देन हम लोग कैसे करेंगे? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एज वी नो टू लिमिट्स होते हैं, एक लोअर लिमिट एंड एक अपर लिमिट। तो उस केस में क्या करना होता है, मान लो फर्स्ट वाले में इफ़ आई से कि लिमिट्स गोज फ्रॉम टी या 3 to 5 कर, तो जब 3 to 5 हम लोग का लिमिट्स दिया हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास 2 ln x + 1 प्लस सी तो है, राइट? ये तो है, इसमें अब हम लोग सबसे पहले जो अपर लिमिट है, मतलब जो हायर लिमिट है, पहले हम लोग x की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करें, तो क्या होएगा, ये होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट एंड दिस टाइम वी विल सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट। तो बेसिकली इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो हम लोग डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं, तो इफ़ वी से कि जो आंसर है वो एफ एक्स आया, तो हम लोग पहले एफ ऑफ अपर लिमिट करेंगे माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है? तो एक और सम ट्राई करो विथ डेफिनेट इंटीग्रेट। अब इसमें हम लोग कॉन्स्टेंट क्यों हट जाते हैं, बिकॉज अब सोचो यहाँ पे एक प्लस सी है और यहाँ पे एक माइनस सी हो गया, तो दोनों कॉन्स्टेंट्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, करेक्ट? तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होता। ट्राई करो, कैलकुलेटर में डाल के देखना हो। अच्छा, एक चीज आई वॉन्ट टीच यू ऑल, पहले सब बोलो यहां तक हो, तब देखो हम लोग जब किए थे अलजेब्रा में, तो ln क्या होता है, ln इज log बेस e, राइट? ln इज log विद बेस e, log बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, क्यों? क्योंकि बेसिकली लॉगरिदम करता है क्या है, इसके और इसके बीच का रिलेशन दिखाता है
कि व्हाट टू द पावर, सॉरी इसके पावर में क्या डालने से ये आएगा, राइट, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। तो अगर हम लोग लॉग बेस ई के साथ ई को अगर रखेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, वन आएगा, करेक्ट। तो सिमिलरली, अच्छा किसको याद है कि लॉग एग्जैक्टली क्या करते हैं, मतलब इफ आई से लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू, तो इसको अगर एक एक्सपोनेंशियल या इंडिसेस के फॉर्म में अगर दिखाना है तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस, टेन रेज टू पावर टू इज इक्वल टू 100 ऐसे दिखाएंगे। ये सेम चीज को अगर हम लोग इस पे अप्लाई करें तो ये क्या होएगा, e टू द पावर 1 इक्वल टू e, ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, नाउ इफ आई से e टू द पावर ln ऑफ 4 अगर हम लोग ये लिखे तो इसमें क्या होएगा, इसमें ये e और ln का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। क्यों नलिफाई होगा, कोई समझा सकते हैं, सिंपली अगर हम लोग ऐसे कुछ करें, बोथ साइड्स इफ वी टेक ln, ये तो हम लोग ले सकते हैं फॉर सॉल्विंग, बोथ साइड्स इफ वी टेक ln, तो क्या होता है जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये ln 4 नीचे आएगा, यहाँ पे ln e बचेगा और यहाँ ln x बचेगा, करेक्ट। तो ln e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हट जाएगा, ln 4 is equal to ln x, which means x is equal to 4, क्योंकि ln ln anti log हो जाएगा, x is equal, और x था क्या, x was basically इसका value, तो e to the power ln 4 is equal to, तो इससे क्या पता चलता है, इससे we can prove how e and ln nullify each other, even if it is ln of e or it is e to the power ln, दोनों केस में वो अपना इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, करेक्ट। अगर 5 ln e है देन 5 ln e इज इक्वल टू 5, ये ln और ये नलिफाई हो गया। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आएगा कैलकुलस में, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे दीप्ति नहीं सॉरी ऋषि आंसर लिखा है 2/5 e टू द पावर ln 32 माइनस 1, है ना। तो ये e टू द पावर ln 32 में क्या होएगा, e और ln कट जाएगा, बचेगा क्या 32, 32 माइनस 1 एंड फाइनल आंसर विल बी 6/5। क्लियर है? हाँ, ये लॉजिक क्लियर है सबको कि कैसे नलिफाई हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का बेसिक। नाउ देयर आर सम वेज ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रल्स। आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक वेज करेंगे, बाकी वेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऊपर अभी जितना भी फॉर्मूलाज किए, राइट, ऊपर हम लोग अभी जितना भी फॉर्मूलाज किए उसमें हम लोग देखे एक फॉर्मूला था दिस वन। ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड वो एक ऐसे फॉर्म में है कि उस ऊपर में उसका डिफरेंशियल है एंड नीचे में ओरिजिनल एक्सप्रेशन है,
हम लोग उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला यही बोलते हैं। तो एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन सम्स, कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग डिफरेंशियल जो भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव को अपने पार्ट बनाए इंटीग्रल का, सो दैट वो दोनों कट जाए। बिकॉज वी नो कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ अ डिफरेंशियल एंड एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन साथ में देखेंगे तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इट्स द सेम थिंग एक्चुअली, राइट। अब देखो इंस्पेक्शन में हम लोग क्या इंस्पेक्ट करेंगे, वी विल ऑलवेज सी, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो बार x है, बेसिकली जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, यहाँ पे भी टू एक्सप्रेशन इन x है, बट वी डू नॉट हैव टू नेसेसरी पुट प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इंस्टेड वी कैन सी कि अगर x square है, x square को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो वो क्या बनेगा, 2x, 2x बनेगा, हाँ। और बेसिकली हम लोग ddx ऑफ x square कर रहे हैं, तो ddx ऑफ x square इज इक्वल टू 2x। अब इस dx को अगर हम लोग यहाँ ले जाए तो हम लोग x square को 2x dx लिख सकते हैं, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन का चेन रूल समझते हैं। इंटीग्रेशन में चेन रूल क्या होते हैं, अब ऑब्वियसली अगर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे तो सबसे पहले ई टू द पावर एक्सप्रेशन इन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होता है, वो होता है सेम रहते हैं ई का सेम रहते हैं, बट फिर हम लोग को एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करना है, मतलब उस पर भी चेन रूल लगाना होगा, बिकॉज दैट इज अगेन एन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड नॉट एक्स इट्सेल्फ। तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग नॉर्मल चेन रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन में जैसा चेन रूल लगता है सेम चेन रूल हम लोग लगाते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन के लिए होते हैं, अंदर में हम लोग जैसे जैसे घुसते हैं फिर हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर ये वाला देखें तो इसमें क्या होएगा, इसमें खाली x square plus 6 to the power 5 देखते हैं, एक बार x को हटा देते हैं, अगर ये है तो इसमें कैसे चेन रूल लगेगा, इसमें पहले तो पावर में 6 जाएगा, राइट, पावर में 6 जाएगा और फिर क्या होएगा, डिनोमिनेटर में भी 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 6 आ जाएगा, दैट इज नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर द ओवरऑल एक्सप्रेशन। फिर हम लोग को लगाना होगा चेन रूल, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन इन एक्स, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको अब हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, गलती से भी कभी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का इंटीग्रेशन करके चेन रूल मत लगाना, चेन रूल क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन, ओके। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन, 2x होते हैं, तो बस नॉर्मली 2x आ जाएगा नीचे, नॉर्मल चेन रूल में जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया चेन रूल। अब ये चेन रूल से हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, हम लोग को बेनिफिट ये होगा कि अब मान लो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 5 डी एक्स विल गिव मी 2x एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 6/6, मेरे को ये मिलेगा इसका इंटीग्रल। अब यहीं इफ आई टेल यू इंस्टेड ऑफ दिस आई वॉन्ट यू टू इंटीग्रेट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 5,
फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलता है कि हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाए, बट हम लोग को दरकार ही नहीं है प्रोडक्ट रूल लगाने का। क्यों नहीं है दरकार? क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इसको इंटीग्रेट करें तो ऑटोमेटिकली हम लोग का एक एक्स आएगा एंड दिस एक्स इज जस्ट हेल्पिंग अस। एक्स नीचे जाना चाहिए, चेन रूल भी नीचे लगे। तो क्या आएगा, ये एक्स जो यहाँ पे पड़ा रहेगा ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। दिस इंटायर थिंग कम्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। आप लोग जब धीरे धीरे करोगे आप लोग खुद रियलाइज करोगे कि ये घूम फिर के इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोग पहले एक और सम ट्राई करते हैं, उससे क्लियर होगा। ये वाला करने का ट्राई करो, क्या आएगा बताओ। क्लियर है कैसे हम लोग ये जो एक्स था इसको कैसे हम लोग अपने एडवांटेज के लिए यूज किए बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। उसको हम लोग ट्रीट किए कि हम लोग उसको एक डेरिवेटिव का पार्ट ही बना दे रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर वो रिड्यूस हो गया, राइट। एक और करो,
सब ठीक है, सब सब हो गया, बट ये 6-1 कैसे बन? एक एक चीज जो पूरे सम में कहीं कुछ नहीं करना था उसको, उसी को चेंज कर डाला। टाइपिंग मिस्टेक था कि एक्चुअल में आपका 1 आया कहीं से? बोलो अति, अनम्यूट करो, अनम्यूट। ठीक है, ये वाला ठीक यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे तो क्योंकि इसका एक्स तो लिख 3x भी था ना, यहाँ पे तो आई वाज जस्ट शोइंग यू अ पार्ट ऑफ द सम, द पावर 5। हाँ उसमें भी जो एक्स था, जो ये एक्स था, ये मैंने बाद में डाला ना, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू ऑल। एक्चुअल सम जो है वो तो अभी आप लोग की हो, एक्चुअल सम ये था, दैट आई वाज जस्ट शोइंग। नहीं तब नहीं हो पा, सबका हो गया। अब ये हुआ इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, जहां पे आपको सम देख के अंदर से फील आएगा कि टर्म्स है, तो आपको पता है या तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है या फिर आपको इस टाइप का कुछ करना है ना। तो आपको अगर देख के लगेगा कि अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है, चेन रूल वाला जो भी एक्सप्रेशन, उसको डिफरेंशिएट करने से, देखो जो कांस्टेंट पोर्शन है वो तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी जैसे डिफरेंशिएट करने से एक 2x आता, 2x आता डिफरेंशिएट करने से, पर हम लोग के पास था तो 3x। हाँ पास था तो 3x, तो कोई बात नहीं, तो करने में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो मैं टूट कर दो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एक सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सपोज ये अच्छा, एक चीज बिफोर वी मूव, डिफरेंसिएशन में क्या होता था? डिफरेंसिएशन में जब भी बीच में प्लस या फिर माइनस होता था तो हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट करते थे, वी वुड नॉट सी कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है। अगर प्लस माइनस ऑपरेशन होता था तब हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, इंडिविजुअली करते थे। व्हेन देयर वुड बी अ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन तब हम लोग प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल, इंटीग्रेशन में भी एकदम सेम थिंग। इफ आई आस्क यू टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम लोग इसको टू इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे, वी विल ब्रेक इट इनटू टू इंटीग्रल्स, एंड नॉर्मली हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बट एक चीज याद रखना, भले दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है,
कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही लिखना है हम लोग को, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही लिखेंगे हम लोग। मान लो ये एक इंटीग्रल है, अगेन यहाँ पे हम लोग को देख के लगेगा कि क्वेश्चन रूल हम लोग लगा सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में हम लोग इतना इजीली अवॉइड करते हैं सब करना। यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम लोग कोई भी एक एक्सप्रेशन को वी सब्स्टिट्यूट इट विद अनदर वेरिएबल। तो मान लो यहाँ पे इफ वी सब्स्टिट्यूट x प्लस वन एज u, तो x क्या हो जाएगा, x will basically become u minus 1। तो इसको अगर हम लोग मान लो ऐसे ही सब्सटीट्यूट कर दे, x की जगह हम लोग u minus 1 लिख दिए एंड डिनोमिनेटर में root of u लिख दिए। कोई बोल सकते हैं कि इस ये करने का मतलब क्या हुआ, मतलब अभी भी तो रूट भी है ही, अभी भी प्लस माइनस है ही, इसका मतलब क्या, वाई वुड वी डू समथिंग लाइक दिस। Exactly. It becomes easier to integrate because अगर denominator में plus minus है ना, तो उसको हम लोग चाह के भी तोड़ नहीं सकते, उसको हम लोग चाह के भी separate out नहीं कर सकते। But जैसे numerator में plus minus आता है, then you can break it up into two different integrals. You can break it up into two different integrals. डिनोमिनेटर में होने से हम लोग ये नहीं कर पाते, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो जहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ता है। ओके, तो सब्सटीट्यूशन यूज करके हम लोग ये तो लिख दिए, बट क्या हम लोग यहाँ पे dx लिख सकते हैं, नहीं, बिकॉज नाउ वी आर नॉट इवन डीलिंग विथ x, वी आर डीलिंग विथ u। हम लोग को पता है कभी भी वेरिएबल अगर चेंज होता है तो हम लोग को पूरे जो भी इंटीग्रल है या पूरा लिमिट है या पूरा डेरिवेटिव है सब जगह वेरिएबल चेंज करना होगा। तो ये dx को हम लोग कैसे du बनाएं, हम लोग को चाहिए तो du, हाउ डू वी गेट दिस du, वी हैव टू गेट दिस du यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफरेंशिएट द इंटायर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या होएगा, du बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस 0, ये बनेगा। अब इसमें अगर हम लोग ये dx को ऊपर राइट हैंड साइड में ले जाए तो du क्या बन जाएगा, du dx बन जाएगा, du इज इक्वल टू dx। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली dx की जगह वी कैन राइट du। अब फॉर एग्जांपल कोई और सम होता है, कुछ और डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होता, समथिंग लाइक u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या करना होता, तो du बाय dx इज इक्वल टू 2x, ये आता, तो dx क्या बन जाता, dx वुड बिकम du बाई 2x, dx वुड बिकम du बाई 2x। तो यहाँ से du को हटाने के लिए, dx को हटाने के लिए हम लोग सिर्फ du नहीं लिख सकते थे, हम लोग को du बाई 2x लिखना पड़ता, क्योंकि हम लोग तो dx हटा रहे, तो वी नीड समथिंग दैट इक्वेट्स dx। वॉट इज इक्वेटिंग dx, du by 2x is equating dx। तो जैसे ही हम लोग dx को हटा रहे हैं, हम लोग को du by 2x लिखना पड़ेगा। अगेन x आ गया, तो x को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग को फिर से x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो याद रखना, कभी भी जब सब्स्टिट्यूशन करो देन मेक श्योर यू आर चेंजिंग एवरीथिंग।
देयर शुड बी नो सिग्नल एट ऑल कि उसमें एक्स एग्जिस्ट करता था. अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो जो लिमिट्स होता, मान लो 5 and 7, जो लिमिट्स होता वो क्या चीज़ का लिमिट्स होता है? एक्स का लिमिट होता, एक्स का रेंज होता कि एक्स इज गोइंग फ्रॉम 5 to 7. तो अगर एक्स को हम लोग यू कर दे रहे हैं, डी एक्स की जगह डी यू कर दे रहे हैं, तो क्या हम लोग को लिमिट्स भी चेंज नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि नाउ वी हैव टू सी कि यू का क्या रेंज है, बिकॉज नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू. तो इफ एक्स इज इक्वल टू यू माइनस, या इफ यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो हम लोग का लिमिट्स क्या होएगा? हम लोग का लिमिट्स विल चेंज टू 6 and 8, है ना? क्लियर है? तो जब भी सब्सटीट्यूट करो, ये सब चीज को माइंड में रखना, कुछ भी मिस नहीं हो सकता. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड इफ यू आर अप्लाइंग सब्सटीट्यूशन. अब इस सम को अगर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट किए, लेट u इक्वल टू x प्लस वन, तो हम लोग का इंटीग्रल बन जाएगा u माइनस वन बाई u. हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं du इज इक्वल टू dx, तो ये डायरेक्टली यहाँ बन गया. फिर हम लोग इसको ब्रेकअप करेंगे, तो u बाई रूट यू विल बिकम रूट एंड माइनस वन बाई रूट यू du. सॉल्व करो इसको, क्या आएगा बताओ. हो गया ये सबका आया इतना. अब देखो हम लोग का जो सम था वो तो x में था, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन लीव इट एट u. सो नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट बैक, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट बैक. तो क्या करेंगे हम लोग, u की जगह x प्लस वन लिख देंगे,
एंड ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर. ओके एक और112.5. चलो बताओ कैसे स्टार्ट तो कर, सब्स्टिट्यूशन क्या लगाया? लिमिट्स के अटैक्सी 5 है ना, डी टू 5 एक्स की जगह अब हम लोग माइनस एंड आएगा यू
गलत नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, आप लोग को वर्किंग नहीं दिखाना है, बट जब वर्किंग दिखाना होता है तब, क्योंकि यहाँ पे अगर आप TN5 लिख के, अगर TN5 नहीं लिख के अगर वन लिखोगे ना, दैट विल बी रॉन्ग एज अ स्टेप, तो इक्वल नहीं होगा। बट आप लोग क्योंकि MCQ बेस्ड अगर है तो फिर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट दैट कैन। इसके बाद फाइव इंटीग्रल को अलग अलग पावर 5d पावर 5 का इंटीग्रल एंड ये जो लिखा है ये बताया नहीं, दिस इज बेसिकली जब हम लोग वैल्यू सब जाते हैं, जब हम लोग लिमिट्स का वैल्यू सब करने जाते हैं तो जो भी हम लोग का इंटीग्रेटेड आंसर आता है वो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर है, एंड बॉक्स ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फिर सब्स्टिट्यूट 5 to 6 by पावर 6 साइन का गलत, ये माइनस हो रहा है तो पहला टर्म माइनस होगा एंड अपर लिमिट वाला होगा वो प्लस हो जाएगा, कि ये जो माइनस है दिस माइनस इज फॉर द इंटायर थिंग, ये होगा 3 into 5 to the power 5 by 5 प्लस 3 into power 5 by 5 सॉल्व करो। नहीं आना चाहिए 188। क्लियर है यहाँ तक सब, आया सबका आंसर? जितने लोग का आंसर मैच नहीं करा था अब मैच किया? अब सब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी इंटीग्रेशन तो नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू ऑल।